लोकसभा चुनाव का सातवां चरण भी खत्म हो गया है और एग्जिट पोल भी आ गए हैं, लेकिन एग्जिट पोल में परिणाम से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज दिखाई जा रही है। सारे आंकड़े भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं आमजन, जो जनता है उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या परिणाम है, किसकी सरकार अभी सत्ता में आने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पन्नालाल गुप्ता। गुप्ता जी, इस बार आपने किसको वोट किया और क्या लग रहा है कि केंद्र में किसकी सरकार विराजमान होने वाली है? मैंने बीजेपी को वोट किया, मैं चाहता हूँ नरेंद्र मोदी की सरकार बने इस वक्त। पर अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने ये काम किया वो काम किया, उनका उनका कहना सही है, पर जो नीचे के जो लोग हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, वो काम होने नहीं देते हैं। क्या भाजपा के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई थी केंद्र के अंदर, क्या वो योजनाएं धरातल पर उतरी हैं? क्या उन योजनाओं का आप लोगों को लाभ मिल पाया है? अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। कई ऐसे युवक हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही, लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, सड़कों पे दर बदर ठोकरे खा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं उनको नौकरी मिले, उनको अपना काम आगे बढ़े। उत्तराखंड के रहने वाले हैं आप, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, रोजगार की समस्या है, किन किन समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? हमें हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक के लिए हमारे पास अपना मकान नहीं है, अपना घर नहीं है। लोग कहते हैं कि जाके फॉर्म भरो, ये करो वो करो, हमने कितने फॉर्म भर दिया, आज तक हमें दो इतना टाइम हो गया रहते थे, हम किराए के मकान में रह रहे हैं, हमें घर अभी तक नहीं मिला है। लेकिन उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार तो बोलती है कि हमने उत्तराखंड को सातवें आसमान पर पहुँचा दिया है, विकास की नैया बहा दी है। वो तो सिर्फ कहती है, और करने वाले जो नीचे वो लोग, जो पैसा आता है वो पार्टी खा लेती है, उसका कौन कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं। किसको बोला जाए? अधिकारी के पास जाओ, किसी उसके पास जाओ तो वो कहता है कि पीएम से मिलो, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, सब अपने अपने उसमें रहते हैं। तो क्या जो आपके क्षेत्र के जो नेता हैं, जो वार्ड के जो नेता है, क्या आपकी सुनवाई नहीं होती है क्या? अरे सुनवाई क्या होती है, हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे गाँव के प्रधान है, उनको मैंने 50 बार कह दिया है कि हमारे घर के आगे लाइट लगाई जाए। 5 साल पूरे को होने वाले हैं, अब दूसरी सरकार बनने वाली है मोदी जी की, अभी तक लाइट हमारे घर के आगे लाइट नहीं लगी है। हमारी नालियाँ टूटी पड़ी है, पानी सड़कों पर बह रहा है, कोई मतलब नहीं है उनको, कोई मतलब नहीं है बस उनको। तो क्या जो पिछली बार कांग्रेस की सरकार रही थी, क्या उस सरकार में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? उस सरकार में पहले तक लाइट थी, अगर मैं एक बार कहता था तो वो लाइट लगा देते, पर ये पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इनको। तो अभी आपका मतलब घर गुजर बजर कैसे चल रहा है? अभी हम किराए के मकान में रह रहे हैं। हाँ, तो मोदी जी ने तो आवास योजना को लेकर आए, मोदी जी आवास योजना को लेके आए थे, हम बैंक में भी गए थे, सब कुछ किया, पर उन्होंने हमारे लिए बोला कि तुम्हारा कुछ कागज नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता यहाँ। सर अभी एग्जिट पोल में तो भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा मीडिया दिखा रही है, सबके पोल अलग अलग हैं, एक तरफ गठबंधन भी है, राहुल गांधी भी है, और कल नतीजे आ जाएंगे, कल 23 मई है, तो भी इसको लेकर अभी आपका क्या कहना है? मेरा अपना विचार ये है कि बीजेपी को लगभग 250 सीटें मिलेंगी, लेकिन सरकार फिर भी बीजेपी की बनेगी, पर ऐसा हो सकता है क्योंकि सीटें पहले से कम हो रही हैं, तो हो सकता है मोदी जी उन्होंने बना के किसी और को, नितिन गडकरी या किसी और को बनाए, मेरा अपना मानना ही है। विपक्ष वाले अलग कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग सब कुछ कर रहे हैं, हाँ, पर ये लगता है कि इस बार स्ट्रांग विपक्ष होगा, मजबूत विपक्ष होगा। लेकिन विपक्ष का बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ये पहले भी था, ये भी था, ये बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा इससे कुछ। वीवीपैट की बात कर रहे हैं, उस पर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन भी दे दिया और अब उसे बाकी चीज़ को नेगलेक्ट भी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो उस बात पे कोई इशू ही नहीं रहा, वो तो खत्म हो चुका है इशू। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 सीटें लोकसभा की हैं, उन पर चुनाव हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि 5 सीटें किसके खाते में जाएंगी? 5 में से मुझे लगता है 4 बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास। कौन सी वो सीटें जो कांग्रेस के पास जाएगी? कांग्रेस में मुझे लगता है ये नैनीताल की सीट भी हो सकती है या टिहरी गढ़वाल की भी हो सकती है। अच्छा, तो आपको लगता है कि सर की जितनी मतलब मोदी सरकार की योजनाएं थी वो धरातल पर उतर पाई? मोदी सरकार ने एक्चुअली नारेबाजी ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा नारेबाजी रही है, और काम नया कुछ नहीं किया। जो कांग्रेस ने योजनाएं शुरू की थी, जीएसटी कांग्रेस ने शुरू करने की कोशिश की थी, बाकी वही चीज़ इन्होंने भी, कोई नई चीज़ कुछ नहीं की, जो उनके कुछ अपनी योजनाएं थी उसमें नाम बदल के दीनदयाल की या किसी और के नाम से, वही योजना नया। अगर हम बात गठबंधन की करें, गठबंधन में इतने सारे आदमी, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो अल्टीमेटली अगर विपक्ष का प्रधानमंत्री बनता है तो कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही है और सबको उसी के, तो गठबंधन में नहीं एंगल, उसके बावजूद कांग्रेस के साथ समझौता करने पड़ेगा, बिना कांग्रेस के तो सरकार बन नहीं सकती विपक्ष, क्योंकि कांग्रेस के पास लगभग 90 से 100 सीट आएंगी। तो ये जनता है जो उत्तराखंड की, जो बता रही है कि मोदी जी की किसी भी योजना ने अभी तक कोई काम नहीं किया है, और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो रस निकाल रहे हैं, गन्ने का काम करते हैं, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा इस बार बाबा,
अभी क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनने वाली है? मोदी की बनेगी जी। अच्छा, आपने वोट किसको दिया था? मोदी को। अच्छा, आपको लगता है कि जो योजनाएं मोदी जी लेकर आए थे कि उन पे काम हुआ है? हाँ जी, काम हो रहा है, बहुत विकास हो चुके। अच्छा, आपका विकास हुआ है? हाँ जी हुआ। अभी आज गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ जी, गर्मी बहुत ज्यादा है। कल को आज एग्जिट पोल भी आ गए हैं और कल को परिणाम आने वाले, किसकी सरकार बन रही है? मोदी की। अच्छा, मोदी जी की सरकार बन रही है। तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मोदी की सरकार बन रही है, अभी तो ये तो समय बताएगा। आज का एग्जिट पोल था जो जिसमें मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत दिखाई दे रही है, लेकिन ये तो वक्त समय तय करेगा कि किस करवट बैठता है। कैमरा पर्सन आंसू के साथ हितेश त्यागी, नेशन वन, देहरादून।